डैड आज ही वो दिन है जब मुझे मेरी पावर मिलेगी। आपको क्या लगता है मुझे कौन सी पावर मिलेगी? वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम की पावर मिलेगी, या फिर हो सकता है मेरे जैसे सुपर इंटेलिजेंट पावर मिल जाए। मैं बहुत लकी होऊंगा अगर मुझे आपकी पावर मिलेगी, क्योंकि आप मेरे नंबर वन हीरो हो। जो भी हो, लेकिन तुम्हें पावर एक्स नहीं मिलनी चाहिए। भाई क्या तुम पावर सेरेमनी में चलने के लिए रेडी हो? और क्या तुम रेडी हो पावर एक्स लेने के लिए? अरे पावर एक्स क्या है यार? आप सभी का पावर सेरेमनी में स्वागत है। मुझे नहीं पता मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है, आखिर मैं नंबर वन हीरो का बेटा हूँ। टोनी यहाँ आओ और अपनी पावर लो। टोनी ये लो, ये है पावर चॉकलेट। जैसे ही तुम इसे अपने मुंह में रखोगे तुम्हें तुम्हारी पावर मिल जाएगी। अरे नहीं मुझे पावर एक्स मिल गई। अरे यार अब क्या होगा क्या होगा? नहीं 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 मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए। वैसे भी जब तक किसी को पता नहीं चलता कि मेरे पास पावर एक्स है तब तक मुझे डरने की क्या जरूरत है? मैं तो सबसे झूठ बोलूंगा अपनी पावर के बारे में। बेटा तुम्हें कौन सी पावर मिली है? डैड मुझे आपकी पावर मिली है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पावर एक्स नहीं मिली है। चलो टोनी रेडी हो जाओ। रेडी पर किस लिए? सुपर हीरो स्कूल। एक मिनट, सुपर हीरो स्कूल स्टार्ट हो गया है? अगर तुम मेरी तरह टॉप के हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हें अभी से ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। यस डैड। आप सभी बच्चों का सुपर हीरो स्कूल में स्वागत है। अब आप सभी बताइए कि आपको कौन कौन सी पावर मिली है। मेरे पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। और तुम ब्लू ग्लासेस? सुपर इंटेलिजेंट पावर। चलो ठीक है अपनी पावर दिखाओ। ओए ये क्या कर रहे हो? अरे वो मुझे पावर दिखाने से पहले अपने आप को थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा ना। ओ सेट, बेल बज गई। ओके लेकिन कल तैयार रहना। ओके ओके। हे क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? तुम्हारे डैड कौन है? मिस्टर स्टार्क द नंबर वन हीरो। ओ जरूर जरूर आओ बैठो। हे क्या तुम लोगों ने सुना कि अपने कैंपस में किसी के पास पावर एक्स है? क्या वो लोग जानते हैं कि पावर एक्स से एक स्पेशल एनर्जी निकलती है, बस उन लोगों को ये नहीं पता कि ये है किसके पास। तो टोनी क्या तुम अपनी पावर दिखाने के लिए रेडी हो? डैड मुझे पावर यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और कल मेरी क्लास भी है। ठीक है लेकिन तुम कोशिश करना कि इसी हफ्ते में मुझे अपनी पावर दिखा देना। ओके। यार अपने कैंपस में किसी न किसी के पास पावर एक्स है। हाँ हो होगी बट मेरे पास थोड़ी ना है। वैसे ये सेम चीज हल्क ने भी बोली थी और जब सबको पता चला तो हल्क बूम। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा इससे पहले कि किसी को पता चले कि मेरे पास ही पावर एक्स। अरे वाह फाइनली मुझे इस पावर से छुटकारा मिल जाएगा। अरे नहीं ये क्या हुआ? चलो टोनी अब क्लास को अपनी पावर दिखाओ। देखो मुझे पता है कि तुम मुझे सुन रहे हो। ओ, ओ, ओ सर अच्छा आप मुझसे कह रहे हैं। सॉरी सर मैं थोड़ा सा बीमार हूँ ना इसलिए मैं अपनी पावर अभी यूज नहीं कर सकता। ठीक है पर तुम रेडी रहना नेक्स्ट वीक के टेस्ट के लिए। यार ऐसे तो मैं अपनी पावर को ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाऊंगा। सभी लोगों को शक हो रहा है कि मेरे पास ही पावर एक्स है। वो अभी तक पावर एक्स वाले आदमी को नहीं ढूंढ पाए हैं। एक मिनट क्या वो लोग अभी तक उसको ढूंढ रहे हैं? उसके ऊपर 10 लाख का इनाम है। अब मैं उसे ढूंढ के मार दूंगा फिर सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। हे टोनी तुम क्या खा रहे हो? मुझे भी दो यार। हाँ क्यों नहीं ये लो। क्या मेरे हाथों में आग कैसे लग गई? आस बुझ गई। हे टोनी क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना कि घोस्ट राइडर के साथ जो कुछ हुआ उसके तुम ही इकलौते गवाह हो। हाँ वो काफी भयानक था बट मैं अब ठीक हूँ। वैसे वो अपने स्कूल का नंबर वन हीरो था। क्या सच में? वैसे उसकी पावर क्या थी? उसके पास फायर की पावर थी। क्यों क्या हुआ? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। घोस्ट राइडर को मैंने मारा तो उसकी पावर मुझे मिल गई। इसका मतलब ये है कि पावर एक्स में वो पावर है कि अगर मैं किसी को भी मारूंगा तो सामने वाले की पावर मुझे मिल जाएगी। अब मुझे समझ आ गया कि ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है। अब मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा जिससे किसी को भी पता ना चल सके कि मेरे पास ही पावर एक्स है। तो टोनी क्या तुम अब मुझे अपनी पावर दिखाना चाहोगे? ओके डैड बस 2 मिनट मुझे थोड़ा चार्ज कर लेने दीजिए। बस अब अपना नाटक बंद करो। क्या हुआ डैड? मुझे पता चल गया तुम्हारी पावर के बारे में।